हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल राजगढ़ टीम में आप लोग का स्वागत है। जो दिखा रहे हैं, जो अभी आए हैं हसनपुर मंदिर, सूर्य मंदिर, वहीं पर झूला लगा हुआ है, जो काफ़ी संख्या में भीड़ है। जाने का हम झूलेंगे। कितना चार्ज है इसको? भाई सब ये ब्रेक डांस दो आदमी का कितना लगेगा? 80 रुपया। तारा माचा इसको चार्ज कितना लेते हैं भैया? 40 रुपया। एक आदमी का। ये भैया है तारा माचा का झुलाने वाले हैं, जो एक आदमी का 40 रुपया बोल रहे हैं। कितना राउंड घुराते हैं भैया? 6 राउंड। ये बच्चा वाला झूला है, और देखिए तरह तरह का दुकान भी खुला है हसनपुर सूर्य मंदिर के निकट, जो अति भी चल रहा है। देखिए इधर, देखिए इधर, तो देखिए हम जा रहे हैं सूर्य मंदिर को आप लोग का दिखाने के लिए, जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखे होंगे। देखिए इसी में अर्घ पड़ता था, जो कल या परसों पड़ेगा शायद। ये मंदिर हुआ, इसी में कल परसों निर्माण हुआ था मंदिर का, पूजा हुआ। जा रहे हैं अंदर, जो दिखाने जा रहे हैं अभी सूर्य मंदिर, तो बने रहिए राजगीर टीम में, और दिखाने जा रहे हैं। जो अभी खुलने वाला है, यहाँ पर पूजा होगा अभी, जो भी जा रहे हैं कीर्तन दिखाने के लिए, तो बने रहिए राजगीर टीम में। अब ग्राम की भी मृत्यु हुई और गजेंद्र को भगवान ने बचा लिया। काफी संख्या में भी भीड़ उठने वाला है। भगवान हमेशा अपने भक्तों के कष्ट को दूर करते। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करें? नौ प्रकार की भक्ति बताई। संपूर्ण सूर्य मंदिर का सूची पशु है, बगल में सूर्य मंदिर है, कोई मनुष्य नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो पशु है तो माला जपेगा, माला को जपता नहीं था। एक बार जीवन में एक बार भगवान को बुलाए और भगवान साक्षात आकर के प्रकट। आगे जा रहे हैं दिखाने के लिए। नौ प्रकार की भक्ति बताई गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पान सेवनम अर्चनम वंदनम दाश सख्य मात निवेदनम। आप कोई भक्ति ना कर सको, आप यहाँ पूरे पंडाल में झाड़ू लगा दो, पूरे यज्ञ परिसर में झाड़ू लगा दो, ये भी एक प्रकार की भक्ति हो जाएगी। अब आधे लोग सोचेंगे अरे यहाँ के झाड़ू लगाएंगे हम, लेकिन ये भी एक प्रकार की भक्ति है। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन पढ़ते हैं। फिर आप कहते हो कि हिंदू का धर्म बड़ा कठिन है, अन्य जो धर्म वाले उनका सरल है। जब आप अपने ग्रंथों को पढ़ोगे ही नहीं, अपने वेद अपने शास्त्र अपने पुराणों को पढ़ोगे ही, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हिंदुओं का धर्म है क्या?
रामायण पढ़ा करो, ठीक है? सब लोग घर में अपने लायक ला करके एक रामचरितमानस की पुस्तक रखिए। कोई नियम मत बनाइए, ये मत सोचिए कि हम पढ़ेंगे तो हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप एक दो वैसे ही भगवान के बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो रामायण नहीं पढ़ सकते, जो श्लोक नहीं पढ़ सकते, वो गलत नहीं पढ़े, जो मन में आए नहीं पढ़े, किसी से सुन ले उसको गाए, तब भी भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मेरा छोटा प्यारा बच्चा है। पर अगर आप ये सोचो कि हम पढ़ेंगे गलत हो जाएगा तो बड़ा पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वज्रमुनि ने बुलाया और भगवान ने उसकी मुक्ति की और कहा कि जीवन में जैसे भी रहो, जिस हाल में भी रहो, भगवान का नाम लो, ये सबसे बड़ी भक्ति है। फिर आगे कथा आई, तो हमने कथा सुनाई थी हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी के वंश में आगे एक राजा हुए जिनका नाम था बली। बली लोक के राजा थे। देवी दीदी के जो पुत्र होते थे वे असुर होते थे, माता अदिति के जो बेटे होते थे वो सब देवता होते थे। तो दीदी के भगवान वामन का स्वरूप धारण करके राजा बलि के पास आए। बलि महान राजवीर थे। कहाँ घर हुआ? नवादा कहाँ से? नवादा यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है। देखिए यहीं के निवासी है भैया, नवादा के हैं। नवादा कराने वाले हैं जो 20 रुपया पर टैटू के लेते हैं। कोई भी टैटू बनाते हैं 20 रुपया में? अच्छा पर लेटर, अच्छा पर लेटर पर 20 रुपया, कोई भी लेटर है 60 रुपए देते कट काउंटर है। कितना हम टिकट देते हैं? एक बच्चा के 30 रुपया, दो बच्चा पर टिकट कहाँ कैसे दे? ये टिकट बेचते हैं। कहाँ से आए हैं? गढ़वा से। गांव के थी जो टिकट काट रहे हैं 30 रुपया जो दिखा रहे हैं। देखिए जिराफ का है,